सेकंड इनकम की सबको तलाश रहती है। तो आज के इस वीडियो में अपन समझेंगे कैसे आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो, सर्विस आउटसोर्सिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो, अपनी कंसल्टिंग या एडवाइजरी शुरू कर सकते हो, कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपने पहले कुछ क्लाइंट्स लेके आने हैं, और कैसे मैंने अपनी सर्विस आउटसोर्सिंग कंपनी शुरू करने के विद इन 3 मंथ्स में 50,000 रुपये की रिकरिंग मंथली इनकम शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रीलांसिंग, आउटसोर्सिंग और कंसल्टिंग, तीनों में आखिर डिफरेंस क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके एक दोस्त ने कहा कि यार मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर देगा क्या। आपने बोला ठीक है, मेरे चार्ज 2,000 रुपये रहेंगे। आपने उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो ये वन टाइम प्रोजेक्ट बेस्ड जो एक्टिविटी रही, इसको मैं टर्म करता हूँ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग और भी तरह की हो सकती है। आपने किसी का ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ले लिया, आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करने का प्रोजेक्ट ले लिया, या फिर ब्लॉग लिख लिया, कुछ कंटेंट लिख लिया वेबसाइट के लिए। अब समझते हैं आउटसोर्सिंग क्या है। तो मान लीजिए वही आपका दोस्त फिर से आपके पास आता है, बोलता है यार ऋषभ तूने मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो बहुत फटाफट कर दिया, अब मुझे एक बात बता, मैं अगर हर महीने के तुझे बिल्स भेजता रहूं तो क्या तू मेरा मंथली या क्वार्टरली जो भी जीएसटी के रिटर्न होते हैं मुझे तो आइडिया नहीं है, तू फाइल करता रहेगा क्या, और जो भी तेरे एनुअल चार्जेस हैं वो मुझे बता दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जीएसटी का जो पूरा प्रोसेस है इस पर्सन ने आउटसोर्स कर दिया। इसे बोला जाता है सर्विस आउटसोर्सिंग। तो बहुत तरह की आउटसोर्सिंग की जा सकती है, जैसे कि पेरोल, रिक्रूटमेंट, अकाउंट्स। इवन हम एज अ यूट्यूबर्स बहुत सारी सर्विस आउटसोर्स करते हैं, जैसे कि हमारे सारे वीडियो में जो ट्रांसक्रिप्शन डाले जाते हैं वो हमने एक कंपनी का आउटसोर्स कर रखा है, हमारे जो ब्लॉग लिखे जाते हैं वो हमने किसी कंपनी का आउटसोर्स कर रखा है, एंड सो ऑन। अब लास्ट पजल, कंसल्टिंग या एडवाइजरी। अब यही आपका दोस्त अब आपके साथ लंबे समय तक जुड़ चुका है, अब ये आपके पास आता है कि यार अच्छा तो काम कर रहा है मेरे साथ, तुझे नॉलेज भी अच्छी है, तो मुझे कुछ चीज़ों पर एडवाइस कर दे। मैं कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, उसके ऊपर जीएसटी का कौन सा एचएसएन कोड लगेगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर कहीं ऑडिट में वो फंस गया है, या डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ गया है तो उसका किस तरह से जवाब देना है। यहाँ पर वो आपकी सर्विसेज नहीं सीख कर रहा है, आपकी एक्सपर्ट एडवाइस सीख कर रहा है। तो इसे बोला जाएगा एडवाइजरी या कंसल्टिंग। तो कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी भी बहुत तरह की होती है। तो जब आपको बेसिक्स क्लियर हो गई है और आप इसके लिए एक्साइटेड हो, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि कैसे आपको अपनी फ्रीलांसर की, अपनी कंसल्टेंट की जर्नी शुरू करनी है। दोस्तों मेरा नाम है ऋषभ जैन, आई एम अ थर्ड जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट एंड आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। मेरी फैमिली पिछले 40 सालों से लेबर लॉ कंसल्टिंग, पेरोल आउटसोर्सिंग बिजनेस में है, और हम राजस्थान के एक शहर जोधपुर में अपनी कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे हमारी कंपनी का अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड है। लेकिन कुछ सालों पहले मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि हम लोग जयपुर में भी अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। जयपुर हमारे लिए बिल्कुल नया शहर था, वहाँ हमें बहुत लिमिटेड लोग जानते थे। तो यहाँ पे पहला क्लाइंट कैसे लेके आना है, क्या हम करें, कैसे फर्स्ट क्लाइंट को ऑनबोर्ड करें, बहुत सारी चीज़ें हमने इस दौरान सीखी। कुछ चीज़ें सही करी, कुछ चीज़ें गलत करी, एंड फाइनली विद इन 3 मंथ्स ऑफ स्टार्टिंग आर कंसल्टिंग हमने 12 नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर लिए। तो आने वाले वीडियो में मैं तीनों अलग अलग वर्ड नहीं बोलूंगा, आउटसोर्सिंग, फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग, मैं सिर्फ कंसल्टिंग बोलूंगा। बट दिस अप्लाइज टू एवरीवन, इवन इफ यू वांट टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो वहां पे भी यही सारे स्टेप्स आपके काम आएंगे। तो अपने कंसल्टिंग शुरू करने की जर्नी को मैं 4 स्टेप में बांटता हूं। स्टेप 1 है आइडेंटिफाई। कंसल्टिंग के 2 एसेंशियल एलिमेंट्स है, एक है आपकी स्किल और एक है उसकी डिमांड। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो। तो इसके लिए एक बेसिक एक्सरसाइज करते हैं। आपको क्या करना है, आपके पास जो भी स्किल्स हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन से आई हो, चाहे आपके प्रीवियस जॉब्स एक्सपीरियंस से आई हो, चाहे आपकी हॉबी से आई हो, उसको एक बार पेपर पर लिखना शुरू करिए। चलिए मैं अपनी बात करता हूँ। तो ये मैंने अपनी स्किल्स अब एक पेपर पर लिख दी, आपको भी यही लिखना है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करिए कि इसमें किसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो मैं जब इस पेपर को देखता हूँ तो मैं फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूँ, मे बी मैं किसी के लिए वीडियोस बना सकता हूँ या वॉइस ओवर कर सकता हूँ, एमएस ऑफिस के भी मैं कुछ फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स ले सकता हूँ, मे बी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन या एक्सेल शीट डिज़ाइन। फिर आ जाता है बिल्डिंग स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, दिस इज डेफिनेटली अ थिंग जो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट करते हैं। पेरोल और लेबर लॉ कंसल्टिंग बहुत सारे लोग आउटसोर्सिंग और कंसल्टिंग यहाँ पर भी करते हैं। एंड लास्ट YouTube और SEO, हाँ इस ये भी एक उभरती हुई फील्ड है, बहुत सारे कंपनीज ने अपने YouTube चैनल शुरू करे हैं और उनको भी यहाँ पर SEO की डिमांड है। तो ये सारी स्किल आप मोनेटाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप भी जो पेपर पर लिखेंगे आप ये पाएंगे
कि उनको कहीं ना कहीं से मोनेटाइज करने का आपके पास तरीका होगा। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आपने लिस्ट बनाई है इसमें से कौन सी स्किल आपके लिए मोस्ट रिवॉर्डिंग है और किस में आपको लॉन्ग टर्म तक काम करने में मजा आने वाला है। डे वन पर आपको अपनी स्किल का मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उसकी बेसिक्स आनी चाहिए और आप उसके बारे में पैशनेट होने चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इनफैक्ट 10-15-20 साल कंसल्टिंग करने के बाद भी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी फील्ड का 100% एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता है। एंड इफ़ यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर इंस्पिरेशन कंसल्टिंग के, मैं कुछ और भी एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। बहुत तरह की कंसल्टिंग बिजनेसेस होते हैं, आप लिस्ट ऑफ कंसल्टिंग बिजनेसेस देखेंगे तो आपकी आपके पास एक नहीं इवन मल्टीपल ऐसी स्किल्स होगी जिनको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी स्किल कौन सी है जिसको आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, जिस पे आप कंसल्ट करना चाहते हैं, काफी काम हो गया। अब स्टेप टू, बात करेंगे बेसिक सेटअप की। बेसिक सेटअप में मैं आपके कुछ मिसकंसेप्शन दूर करने वाला हूं। पहला मिसकंसेप्शन, यू मस्ट हैव अ स्पेसिफिक डिग्री टू स्टार्ट कंसल्टिंग। लोगों को ये लगता है कि अगर मुझे कंसल्टिंग शुरू करनी है तो मुझे एक पर्टिकुलर डिग्री की जरूरत है। हाँ, कुछ जगह ये ट्रू है जिनके मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए आपको सेबी का लाइसेंस चाहिएगा, इंश्योरेंस के लिए आपको IRDA का लाइसेंस चाहिए और कुछ इंटरनल ऑडिट या स्पेसिफिक चीज़ें करने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री चाहिए। अदरवाइज ज़्यादातर जगह पर कोई स्पेसिफिक डिग्री की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी डिग्री आपके लिए एक सेलिंग पॉइंट हो सकती है, लेकिन जो मेन चीज आपके काम आएगी वो है आपकी नॉलेज और आपकी स्किल। मिसकंसेप्शन नंबर टू, यू नीड टू रजिस्टर योर कंसल्टिंग। तो काफी सारे लोग ये करते हैं कि अभी अपना बिजनेस धंधा जमाया नहीं, अपनी कंसल्टिंग शुरू करी नहीं, उससे पहले रजिस्ट्रेशन के पीछे भागने लगते हैं। अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP रजिस्टर कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लाइसेंसेस ले रहे हैं, ट्रेडमार्क ले रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं। नहीं, आप एज अ प्रोप्राइटर अपनी कंसल्टिंग शुरू कर सकते हैं। अपने पहले क्लाइंट आप अपने नाम पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं, उनसे चेक अपने नाम पे ले सकते हैं और वो चेक आप अपने सेविंग्स अकाउंट में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। थर्ड मिसकंसेप्शन कि आपको डे वन से GST रजिस्ट्रेशन चाहिए। जी नहीं, सर्विसेज बिजनेस में GST रजिस्ट्रेशन 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर ही मैंडेटरी होता है। तो उससे पहले GST लेना, अगर आपको कोई CA एडवाइस कर रहा है कि हमारा पूरा पैकेज है, आपको हम आपकी फॉर्म भी बना देंगे और आपको GST भी ले लेंगे और ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ मना कर दीजिए कि मुझे GST नहीं चाहिए। मैं शुरू से ही क्यों अपनी सर्विसेज को 18% मोर एक्सपेंसिव बनाऊं अपने क्लाइंट के लिए, उस पहले मैं अपने सारे क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर लूं, फिर जब GST की रिक्वायरमेंट होगी मैं GST ले लूंगा। कई लोगों को ये लगता है कि मुझे अपना बैंक अकाउंट खोलना, उसमें GST की रिक्वायरमेंट है। नहीं, बैंक अकाउंट आप दो डॉक्यूमेंट से ओपन कर सकते हो, इवन आपको अपने नाम से अकाउंट ओपन कराना है। मान लीजिए मैं ऋषभ जैन के नाम से चेक लेना चाहता हूँ, मेरे पास ऋषभ जैन का अकाउंट है तो वो तो मैं ले ही सकता हूँ। मान लीजिए मैं चेक लेना चाहता हूँ अपने क्लाइंट से RM कंसल्टिंग के नाम से, तो मुझे जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, या तो मैं उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, और बहुत सारे जो पब्लिक बैंक्स हैं वो उद्योग आधार को एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके आपका करंट अकाउंट RM कंसल्टिंग के नाम से ओपन कर देंगे। प्राइवेट बैंक्स इसमें नानुकुर कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर आप एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस ले लेंगे RM कंसल्टिंग के नाम से, तो वहाँ पे बिना किसी झंझट के आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अच्छा, सेविंग्स अकाउंट से याद आया, पिछले 6-7 सालों से जिस बैंक के साथ मैं अपनी बैंकिंग कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे बिजनेसेस हों या पर्सनल अकाउंट, वो है कोटक बैंक। उनकी सर्विस से मैं एब्सोल्युटली हैप्पी हूँ। वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है। तो कोटक का 811 अकाउंट आप घर बैठे खुलवा सकते हैं। इसमें आपको मिलती है नो मेंटेनेंस चार्जेस, नो मिनिमम बैलेंस, पूरा आप खर्च कर दीजिए और सिर्फ 10,000 रुपये की अगर आप एक FD करा देंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये अकाउंट आप घर बैठे बैठे विद इन कुछ मिनट नीचे दिए गए लिंक से ओपन करवा सकते हैं। अगर आप क्लाइंट से मीटिंग करने जाते हो तो मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि अपना विजिटिंग कार्ड बनाइए और एक कंपनी का लेटर हेड बनाइए, जो दोनों बहुत इनएक्सपेंसिव है। आप किसी भी ऑनलाइन सर्विसेज, हम लोग विस्टा प्रिंट यूज़ करते हैं, वहाँ पे जाइए, 100-200 रुपए में आपके विजिटिंग कार्ड और आपके लेटर हेड्स बन के आपके घर पे आ जाएंगे। चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की बात करते हैं, दैट इज गेटिंग योर फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स। तो मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ। तो हमने ये सोचा कि हम पेरोल आउटसोर्सिंग और लेबर लॉ कंसल्टिंग करेंगे, मेनली पेरोल आउटसोर्सिंग, उसके साथ लेबर लॉ कंसल्टिंग क्लब हो जाता है, क्योंकि जो ये जो जर्नी है फ्रीलांसर आउटसोर्सिंग कंसल्टिंग, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिक्स एंड मैच है। आपको कोई फ्रीलांस असाइनमेंट मिलता है और हो सकता है वो आपका लॉन्ग टर्म आउटसोर्सिंग एंड कंसल्टिंग क्लाइंट में बदल जाए। तो हमने डिसाइड करा कि चलो, हम लोग को पेरोल के बारे में बेसिक नॉलेज है और हम लोग पेरोल आउटसोर्सिंग शुरू करेंगे। पहला क्लाइंट हम कैसे लाए? तो हमारा पहला क्लाइंट मुझे मिला एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। तो मैं स्टार्टअप फाउंडर्स के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था। वहाँ पे किसी ने पूछा कि डू यू नो एनीवन हु कैन डू पेरोल्स फॉर अस,
और मैंने उसको डीएम कर दिया कि यस वी डू दैट, और मैंने ग्रुप पे भी वहाँ पे लिख दिया कि यस वी डू दैट। तो इससे क्या हुआ, पहली बात तो हम एक ग्रुप में थे तो वहाँ पे एक कनेक्शन डायरेक्टली बन गया, एंड विद इन फ्यू डेज वो क्वेरी हमारी क्लोज हो गई और हम उनका पेरोल आउटसोर्सिंग करने लग गए। सेकंड मुझे क्लाइंट मिला गूगल बिजनेस लिस्टिंग से। तो गूगल बिजनेस लिस्टिंग क्या है, जब आप गूगल पर सर्च करते हैं, मान लीजिए आप सर्च करिए लेबर लॉ कंसल्टेंट इन जोधपुर, तो यहाँ पे आपको जो वन ऑफ द टॉप रिजल्ट मिलेगा वो है PIJN & Company। इस तरह के जो रिजल्ट्स होते हैं ये गूगल बिजनेस के रिजल्ट्स कहलाते हैं। इनफैक्ट ये रिजल्ट्स आपके वेबसाइट से भी पहले आएंगे। तो मस्ट है किसी भी बिजनेस को, फ्रीलांसर को, कंसल्टेंट को, कि वो अपने आप को गूगल बिजनेस पर रजिस्टर करे। रजिस्ट्रेशन बड़ा आसान है, आप गूगल माई बिजनेस पर जाइए, इसकी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर अपना बिजनेस रजिस्टर करिए। आपके एड्रेस के प्रूफ के लिए आपके पास एक लेटर गूगल भेजेगा जिसमें कोड होगा, वो कोड आप जब यहाँ पर एंटर कर देंगे तो आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। उसके बाद इसमें और कई सारे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं ताकि आपका गूगल बिजनेस टॉप पर रैंक करने लगे, उस पर हम एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन पॉइंट इज गूगल बिजनेस पर जरूर रजिस्टर करिए। एंड मुझे तीसरा क्लाइंट कैसे मिला, तीसरा क्लाइंट मिला मुझे सेकेंड क्लाइंट से। मैंने मीटिंग क्लोज करने के बाद पूछा कि मैम अगर आपके पास कोई और भी रेफरेंस है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। वो बोले अरे हाँ मेरे बड़े भैया की भी एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, आप जाके वहाँ पे मिल लीजिए। तो अपने पहले कुछ क्लाइंट लाने के लिए आपको क्या करना है, नंबर वन ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए जहाँ पे आपके पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं। वहाँ पे अगर किसी ने पूछा कि मुझे इस पर्टिकुलर सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो उसे DM भी करिए और ग्रुप पे भी रिप्लाई कर दीजिए कि वी प्रोवाइड दीज सर्विसेज। कई बार ये होता है कि आपके उस मैसेज को देखकर और लोगों को भी याद आता है कि अरे मुझे भी इसकी रिक्वायरमेंट है, और वो आपको DM कर सकते हैं। दूसरी चीज गूगल बिजनेस पर ज़रूर रजिस्टर करिए, एंड तीसरी चीज अपने क्लाइंट से रेफरल मांगिए। तो ये तीन तरीके हैं बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी पेड पब्लिसिटी के, बिना किसी अखबार में ऐड दिए, बिना किसी वेबसाइट पर पैसा लगाए, आप अपने पहले कुछ क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं। अब स्टेप नंबर फोर, स्केलिंग योर बिजनेस। एक बार आपने पहले कुछ क्लाइंट्स लिया है तो अब कैसे और क्लाइंट्स लेके आएंगे, कैसे बिजनेस को और ग्रो करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना है बिल्ड प्रोसेसेस। बिल्ड प्रोसेसेस मतलब अगर आप एज अ इंडिविजुअल कंसल्टिंग कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, तो सब कुछ आप नहीं कर पाएंगे, आपके पास एक लिमिटेड बैंडविड्थ है। तो अगर आपने फोकस लगाया नए क्लाइंट्स लाने में तो जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको अच्छी सर्विसेज नहीं मिलेगी, या फिर आपने सर्विसेज पर ही ध्यान दिया क्लाइंट्स को बेस्ट से बेस्ट देने का, तो आपकी जो ग्रोथ है बिजनेस की वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो इसके लिए आपको प्रोसेसेस बनाने हैं। प्रोसेसेस बनाने के बाद कि ये काम ऐसे 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 होता है, आप चाहे तो एक एक्सटर्नल हेल्प किसी को एज ए एम्प्लॉई, एज ए इंटर्न हायर कर सकते हैं और उसके थ्रू काम करवा सकते हैं, या फिर सोच सकते हैं कि इनमें से कौन से प्रोसेसेस को मैं ऑटोमेट कर सकता हूं, या फिर कोई टेक्नोलॉजी बना सकता हूं जिससे मेरा काम आसान हो जाए। तो हमने जो अपना पहला क्लाइंट लिया था उसका पेरोल हम लोग एक्सेल में प्रोसेस करते थे। फिर मैंने सोचा कि यार ये एक्सेल में प्रोसेस करना तो काफ़ी कम्बरसम है, क्या हम कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए। इसके अलावा हमने ये सोचा कि अब हर क्लाइंट मुझे अपने अलग अलग फॉर्मेट में एक्सेल फाइल्स भेजता है, क्या मैं गूगल ड्राइव पर एक एक्सेल का फॉर्मेट बना सकता हूँ जहाँ पे वो अटेंडेंस डाले, उसका पेरोल वहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए, वो अप्रूव करे उस पेरोल को, और उसके बाद मैं उसे PF और ESI के चालान वगैरह बनाकर दे दूँ। स्केलिंग का सेकेंड पार्ट है इन्वेस्ट इन लर्निंग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंसल्टिंग में, आउटसोर्सिंग में लोग आपकी नॉलेज को, आपकी स्किल के लिए पैसा दे रहे हो, तो अगर आप अपनी नॉलेज में, स्किल में इजाफा नहीं करेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। आप कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, आप कोर्सेस करिए, आप अच्छी मैगजीन्स या बुक्स मंगाइए जिनसे आप सीख सकते हैं, और ये बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट है, इसको आप खर्चा नहीं समझिए, क्योंकि आपको पैसा आपकी नॉलेज का ही मिल रहा है। एंड आई नो कई बार ये स्किल एक्वायर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली अगर आपका कोई मेंटर नहीं हो या आपके फैमिली में कोई इस इंडस्ट्री से नहीं हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने शुरू किया था LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां हम ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज लाते हैं जो आपको कंसल्टिंग बिजनेस, अपना प्रोफेशन शुरू करने में मदद करते हैं। हमारे पास पेरोल, PF, ESI, इनकम टैक्स, GST, RTI जैसे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको पैसा अर्न करने में एज अ कंसल्टेंट मदद करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप ज़रूर चेकआउट करिए LPT.institute, जहाँ पर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज जो प्रोफेशनल्स ने ही पढ़ाए हैं, जहाँ पर थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल बातें होती है, स्टार्ट हो रहे हैं ₹49 से। नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं वो है इंक्रीज़ योर फनल। तो आपके पास जो क्लाइंट की इनबाउंड क्वेरीज आ रही है उसको आप कैसे बढ़ाएंगे,
आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करिए, आपने गूगल बिजनेस पर रजिस्टर कर लिया और दूसरे पोर्टल्स पर रजिस्टर करिए, जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, एटसेट्रा। ऑफलाइन अपनी प्रेजेंस बिल्ड करिए, आप अपने घर के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा सकते हैं जहाँ से लोग देख सकते हैं अच्छा यहाँ पे ये सर्विसेज मिलती है, वहाँ से भी कुछ लोग आपके पास आ जाएंगे। आप अपने सोशल मीडिया पर जैसे लिंक्डइन हो गया या फेसबुक हो गया, वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट शेयर करने लग जाइए। यूट्यूब पर अपने ब्लॉग पर काम करने लग जाइए, अपनी वेबसाइट बिल्ड कर लीजिए। और गूगल बिजनेस में एक टूल है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो बेसिक वेबसाइट आप गूगल माई बिजनेस से भी बना सकते हैं। तो नेटवर्क बनाइए और कंसल्टेंट के साथ, उन ग्रुप्स का भी हिस्सा बनिए और उनसे समझिए कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब आपके पास कोई क्लाइंट आए और आपसे ऐसी सर्विसेज की डिमांड करे जो आप खुद नहीं देते हो लेकिन अपने किसी पार्टनर के थ्रू, अपने एक नेटवर्क के थ्रू आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो इससे आपके बिजनेस को स्केल करने में मदद मिलेगी, उस क्लाइंट को रिटेन करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर इस वीडियो में हर स्टेप पर, हर प्रोसेस पर और डिटेलिंग की जा सकती है। जैसे स्केलिंग पर हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अगर कोई कंसल्टिंग शुरू करेंगे तो कौन सी करेंगे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है नीचे कमेंट से भी आपको कोई क्लाइंट मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।